हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सत्यम चौहान और आप देख रहे हैं क्यूजेड स्टडी। तो आज हम क्लास 7 मैथ्स चैप्टर 4 सिंपल इक्वेशन एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने वाले। चले देते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अगर आप इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन नहीं देखे हो या फिर इस चैप्टर में किसी प्रकार का डाउट है तो मैं एडमिन लिंक दिया, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पे क्लिक करो, इस चैप्टर के सारे वीडियो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो चलिए अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन दिया है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। तो यहाँ पे कहा जा रहा है नीचे हमको कुछ इक्वेशन गिवन है जिनको हमको सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो चलिए अपने फर्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 4 इज इक्वल टू 5 ब्रैकेट में p माइनस 2। यहां पे कहा जा रहा है कि जो अपना 4 है ना वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। अब राइट हैंड साइड में क्या दिया है, तो राइट हैंड साइड में दिया है 5 ब्रैकेट में p माइनस 2, यानी कि ये कह रहा है कि अगर हम 5 को p से मल्टीप्लाई करते हैं देन 5 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं देन इन दोनों को सबट्रैक्ट करते हैं तो इक्वल होगा 4 के, ठीक है ना। तो हमको यहां पे p की वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए p की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमको 5 को करना पड़ेगा p से मल्टीप्लाई। तो जब हम 5 को p से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा अपना 5 पी, तब हमको क्या करना पड़ेगा, 5 को करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई। तो जब हम 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा अपना 10, और जो अपना माइनस का सिंबल है वो एज इट इज उतर जाएगा, ओके ना। अब अपने फायदे के लिए जो राइट हैंड साइड में वेरिएबल रखा है, यानी कि जिस साइड में वेरिएबल रहेगा ना उसको हमको लेफ्ट हैंड साइड में ला देना है, ठीक है ना। तो देखो भाई, यहां पे जो राइट हैंड साइड है, इधर जो अपना है वेरिएबल यानी कि जो अपना पी है और राइट हैंड साइड में है, तो इसको हमको ला देना है लेफ्ट हैंड साइड में, ओके ना, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब हमको लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल को छोड़ के जितने भी नंबर गिवन है उनको एक एक करके हटा लेना है, ठीक है ना। तो चलिए एक एक करके हटाते हैं। तो पहले क्या करना पड़ेगा, हमको -10 को हटाना पड़ेगा। तो -10 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, -10 को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे, ठीक है ना। तो देखो भाई, अगर हम कोई नंबर ट्रांसपोज कर रहे हैं, अगर वो नंबर पॉजिटिव है तो लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो निगेटिव होगा, अगर वो निगेटिव है तो पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। अगर वो डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में होगा, मल्टीप्लाई में होगा तो डिवाइड में होगा, ठीक है ना। तो वैसे हमको क्या करना है, -10 को करना है राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज। तो जब -10 को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो आएगा अपना प्लस का 10, ठीक है ना। अब हमको क्या करना है, 4 को कर देना 10 से ऐड, ओके। तो जब हम 4 में 10 ऐड करेंगे तो आएगा अपना 14, ओके। अब हमको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में पी को छोड़ के जितने भी नंबर गिवन है उनको हटा लेना है, ठीक। तो यहाँ पे जो नंबर 5 गिवन है उसको हटाना होगा। तो देखो भाई, यहाँ पे जो 5 है वो पी से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। यानी कि इसे अगर हम राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करते हैं तो वो होगा डिवाइड में, ठीक है ना। तो हमको चलिए इसको राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देते हैं। तो जब हम इसको राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो आएगा अपना 14/5, ओके। तो ये हो गया अपना आंसर, ओके। यानी कि अगर हम पी की जगह पर 14/5 पुट करते हैं देन उसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं देन 5 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं देन इन दोनों को सबट्रैक्ट करते हैं तो इक्वल होगा 4 के, ठीक है ना। तो चलिए अपने बी वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं ना। बी वाला क्वेश्चन दिया है -4 इज इक्वल टू 5 ब्रैकेट में पी माइनस 2। सेम क्वेश्चन है, बस एक थोड़ा सा चेंजेस है, वो क्या है कि जो अपना लेफ्ट हैंड साइड इधर जो अपना 4 के साथ माइनस लग गया, ठीक है ना। अब हमको क्या करना है, सेम रूल फॉलो करेंगे, हमको पहले क्या करना है 5 को कर देना p से मल्टीप्लाई। तो जब हम 5 को p से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा अपना 5p देन हमको क्या करना है 5 को कर देना 2 से मल्टीप्लाई। तो जब हम 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा अपना 10 और जो अपना माइनस का सिंबल है वो एज इट इज उतर जाएगा, ओके ना। अब हमको क्या करना है, अपने फायदे के लिए जो राइट हैंड साइड में यानी कि जिस साइड में वेरिएबल है उसको लेफ्ट हैंड साइड में ला देना है, ठीक है ना। तो वेरिएबल यहां पे जो राइट हैंड साइड में है इसको हमको ला देना है लेफ्ट हैंड साइड में, जो अपना लेफ्ट हैंड साइड वाला नंबर है उसको राइट हैंड साइड में ला देना है, ठीक है ना। तो ऐसे करके हमको इधर ला देना है। अब हमको लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल को छोड़ के जितने भी नंबर गिवन उनको हटा लेना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे वेरिएबल कौन है, वेरिएबल p, और p को छोड़ के यहाँ पे 2 नंबर गिवन है, पहला है 5 और दूसरा है -10, ठीक है ना। तो -10 पहले हमको हटाना पड़ेगा। तो -10 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखो भाई, अगर हम कोई भी नंबर लेते हैं अगर वो माइनस में है तो राइट हैंड साइड में क्या होगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए इसको ट्रांसपोज कर देते हैं। तो जब हम इसे -10 को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो आएगा अपना +10, ठीक है ना। अब देखो भाई, यहाँ पे माइनस एंड प्लस, माइनस प्लस क्या होते हैं, माइनस होते हैं, ठीक है ना। यानी कि इन दोनों कर देना है सबट्रैक्ट। तो जब हम 10 में से 4 सबट्रैक्ट करेंगे तो आएगा अपना 6, और यहाँ पे प्लस का सिंबल लगेगा, वो क्यों। तो देखो भाई, यहाँ पे इन दोनों नंबर में 10 जो है वो बड़ा है, ठीक है ना, और उसके साथ पॉजिटिव का सिंबल है तो हमको यहाँ पे पॉजिटिव का सिंबल लगा देना है। वैसे पॉजिटिव का सिंबल हमको लिखने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब हमको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में देखना है लेफ्ट हैंड साइड में कितने नंबर बचे हैं। तो एक नंबर और बचा है, वो है 5, ठीक है ना। तो इसको कर देना है राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज। तो देखो भाई, यहाँ पे जो 5 है पी से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि राइट हैंड साइड में आएगा तो ये हो जाएगा अपना डिवाइड में, ओके। तो यहाँ पे 6/5 आ चुका है पी का वैल्यू, ओके ना। यानी कि अगर हम 6/5 को पी की जगह रखते हैं देन इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं देन 5 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं देन इन दोनों को सबट्रैक्ट करते हैं तो ये होगा -4 के, ठीक है ना। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है 16 = 4 + 3 ब्रैकेट में t + 2। तो यहाँ पे कहा जा रहा है जो अपना 16 है वो राइट हैंड साइड के इक्वल। अब राइट हैंड साइड में क्या गिवन है, तो राइट हैंड साइड में गिवन है 4
प्लस थ्री ब्रैकेट में टी प्लस टू। तो यहाँ पे अगर हम सिंपल में बोले तो अगर हम फोर को और थ्री को ऐड करते हैं देन इसको टी से मल्टीप्लाई करते हैं देन इसको टू से मल्टीप्लाई करते हैं देन दोनों को ऐड करते हैं, ठीक है ना। तो इक्वल होता है 16 के, ठीक है ना। यहाँ पे आपको देखने में भले ही क्वेश्चन बहुत बड़ा लगता हो, ठीक है ना, लेकिन जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे जब हम देखते तो यहाँ पे जो वेरिएबल है वो राइट हैंड साइड में, तो इसको हमको सबसे पहले क्या करना है लेफ्ट हैंड साइड में ला लेना है, ठीक है ना। तो इन दोनों के साइड को पहले कर देना है एक्सचेंज। आप चाहो तो इसे पुराने वाले स्टाइल से भी सॉल्व कर सकते हो, यानी कि मॉडल से कर सकते हो, ठीक है ना। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पे इसे इजीली सॉल्व करने के लिए हमने क्या कर दिया, पहले इन दोनों के साइड को एक्सचेंज कर लिया, ठीक। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे जो फोर है इसको हमको ट्रांसपोज कर देना राइट हैंड साइड में। तो जब हम फोर को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ पे जो फोर है वो प्लस का था, यानी कि राइट हैंड साइड में आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे माइनस का फोर लिख देना है। अब हमको क्या करना है, 16 में से कर देना है फोर को सबट्रैक्ट। तो जब हम 16 में से फोर सबट्रैक्ट करेंगे तो आएगा अपना 12, ठीक है ना। अब देखो भाई यहाँ पे जो हमने लेफ्ट हैंड साइड में है तो यहाँ पे 3t प्लस 6 कैसे आया, तो देखो भाई यहाँ पे हमने क्या किया, पहले तो 3 को किया t से मल्टीप्लाई, यहाँ पे जो ब्रैकेट को हटाना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सभी किसी को पता है, आप 6 से ही सीखते आ रहे हो कि अगर ब्रैकेट को तोड़ना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, 3 को कर देना t से मल्टीप्लाई देन हमको कहना है 3 को कर देना 2 से मल्टीप्लाई। तो जब हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा अपना 6, ओके ना। और जो अपना प्लस का सिंबल है एसटीच उतर जाएगा। अब हमको क्या करना है, एक एक करके लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल को छोड़ के जितने भी नंबर गिवन उनको हटा लेना है, ठीक है ना। तो पहले प्लस 6 को हटाएंगे तो प्लस 6 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्लस का 6 है यानी कि राइट हैंड साइड में आएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमको क्या करना है, 12 में से 6 को कर देना है सबट्रैक्ट। तो जब हम 12 में से 6 सबट्रैक्ट करेंगे तो आएगा अपना 6, ओके ना। अब हमको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में टी को छोड़ के जितने भी नंबर गिवन उनको हटा लेना है। तो एक ही नंबर गिवन है 3 और 3 जो है वो टी से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। देखो भाई इक्वेशन में अगर कोई भी एक नंबर और एक वेरिएबल पास में दिखते हैं यानी कि वो मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे 3 को कर देना है राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज। अब यहाँ पे जो 3 और टी से मल्टीप्लाई हो रहा है यानी कि राइट हैंड साइड में आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हमको ला लेना है डिवाइड में। अब देखो भाई यहाँ पे जो 6 है वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो इसको कर देना हमको डिवाइड, ठीक है ना। तो जब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो आएगा अपना 2, ओके ना, यानी कि टी की वैल्यू निकल गया 2। यानी कि जब हम टी की जब 2 रखते हैं देन इसको सॉल्व करेंगे तो वो इक्वल होगा 16 के, ठीक है ना। तो चलिए अपने डी वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमें डी क्वेश्चन दिया है 4 + 5 ब्रैकेट में पी माइनस 1 इसको 34। अब यहाँ पे कहा जा रहा है जब हम 4 और 5 को ऐड करते हैं देन इसको पी से मल्टीप्लाई करते हैं देन इसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं देन इन दोनों को सबट्रैक्ट करते हैं तो इक्वल होता है 34 के, ठीक है ना। तो देखो भाई यहाँ पे हमको साइड एक्सचेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो क्यों, तो देखो भाई यहाँ पे जो वेरिएबल है ना वो पहले से ही लेफ्ट हैंड साइड में है, ओके ना, इसलिए हमको साइड एक्सचेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो चलिए एक एक करके इनको हटाते हैं और पी की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है ना। तो चलिए पहले 4 को हटाते हैं, तो 4 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो 4 है वो पॉजिटिव में है तो इसको राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करना पड़ेगा, यानी कि जब राइट हैंड साइड में आएगा तो ये निगेटिव का हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो भाई इसको हम लोग छोड़ सकते हैं वैसे ही, ठीक है ना, इसे हम लोग बाद में भी सॉल्व कर सकते हैं। पहले हमको लेफ्ट हैंड साइड में सॉल्व करना है, क्या करना है, 5 को कर देना पी से मल्टीप्लाई। तो जब हम 5 को पी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा अपना 5p, तब हमको करना है 5 को कर देना 1 से मल्टीप्लाई। तो जब हम 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा अपना 5 और जो माइनस का सिंबल है वो एसटीज उतर जाएगा, ओके ना। अब देखो भाई यहाँ पे जो अपना लेफ्ट हैंड साइड में माइनस 5 है इसको भी ला देना है राइट हैंड साइड में, ओके ना। तो देखो भाई जब हम माइनस 5 को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो आएगा अपना प्लस का 5, ओके। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, 34 में से 4 कर देना सबट्रैक्ट, ओके ना। तो जब हम 34 में से 4 सबट्रैक्ट करेंगे तो आएगा अपना 30, ठीक है ना। अब हमको क्या करना है, 30 में से 5 ऐड कर देना, ठीक है ना। तो जब हम 30 में 5 ऐड करेंगे तो आएगा अपना 35, ओके ना। अब हमको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में पी को छोड़ के जितने भी नंबर गिवन उनको हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे पी को छोड़ के बस एक ही नंबर गिवन है, वो है 5, ठीक है ना। और जो अपना 5 है वो पी से मल्टीप्लाई हो रहा है यानी कि राइट हैंड साइड में आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखो भाई जो अपना 35 है वो 5 से डिवाइड हो जाता है तो इसको कर देना है कट, और जो अपना कट करेंगे तो आएगा अपना 7, यानी कि पी की वैल्यू निकल गया 7। यानी कि अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो वो इक्वल होगा 34 के, ठीक है ना। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है 0 = 16 + 4 ब्रैकेट में एम माइनस 6। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर हम 16 और 4 को ऐड करते हैं देन इसको एम से मल्टीप्लाई करते हैं देन इसको 6 से मल्टीप्लाई करते हैं देन इन दोनों को सबट्रैक्ट करते हैं तो इक्वल होगा 0 के, ठीक है ना। तो हमको यहाँ पे एम की वैल्यू फाइंड करना है। तो एम की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो देखो भाई यहाँ पे जो राइट हैंड साइड है इधर अपना वेरिएबल है, ठीक है ना।
तो सबसे पहले इन दोनों का साइड एक्सचेंज कर लेना है, इसको हमको ला देना है लेफ्ट हैंड साइड में और जीरो करा देना है राइट हैंड साइड में, ठीक है ना। तो चलिए इसको एक्सचेंज कर लेते हैं सबसे पहले। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पे जो अपना 16 है इसको ट्रांसपोर्ट करना है राइट हैंड साइड में। तो देखो भाई यहाँ पे जो 16 है वो प्लस में है यानी कि पॉजिटिव है, जब राइट हैंड साइड में आएगा तो ये निगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। और देखो भाई यहाँ पे अगर हम जीरो में से 16 सबट्रैक्ट करते हैं तो जब हम जीरो में से 16 सबट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, -16 आएगा, ठीक है ना। जाहिर सी बात है कोई भी जानेगा, ठीक है ना। अब देखो भाई यहाँ पे करना क्या हमको, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 4 को करना है m से मल्टीप्लाई, तो जब हम 4 को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा अपना 4m, देन हमको क्या करना है 4 को करना है 6 से मल्टीप्लाई, तो जब हम 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा अपना 24, ओके ना। और जो अपना माइनस का सिंबल है एसडी उतर जाएगा। अब हमको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल को छोड़ के जितने भी नंबर गिवन है उनको हटाना होगा, ठीक। तो चलिए एक एक करके हटाते हैं। तो पहले हमको क्या करना है, -24 को हटाना है, तो -24 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो जब हम राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो आएगा अपना प्लस 24, वो क्यों, तो देखो भाई यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में माइनस का 24 था, हमने पहले ही देख रखा है कि अगर माइनस में है तो प्लस में होगा, प्लस में है तो माइनस में होगा, और मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके इसको ला देना है प्लस का 24 में, ठीक है। अब हम क्या कहना है, यहाँ पे जब हम देखते हैं तो माइनस एंड प्लस, माइनस प्लस क्या होते हैं, सबट्रैक्ट होते हैं, ठीक है ना। अब हम क्या कहना, 24 में से कर देना है 16 सबट्रैक्ट, तो जब हम 24 में से 16 सबट्रैक्ट करेंगे तो आएगा अपना 8, और सिंबल कौन सा लगेगा, जो नंबर बड़ा रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 24 बड़ा था और उसके साथ प्लस का सिंबल था, तो हमको यहाँ पे पॉजिटिव का सिंबल लगा देना, और जैसे कि हम लोग को पता है कि पॉजिटिव का सिंबल हमको दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ना। तो अब हमको लेफ्ट हैंड साइड में एम को छोड़ के जितने नंबर गिवन है उनको हटा लेना है, ठीक है ना। तो अपना एम की वैल्यू निकल के आ जाएगी, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में एम को छोड़ के बस एक ही नंबर गिवन है वो 4, ठीक है ना। यानी कि जब हम 4 को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोर्ट करेंगे तो वो हट जाएगा, ठीक। तो देखो भाई यहाँ पे जो 4 है वो एम से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि जब राइट हैंड साइड में होगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पे 8 को कर देना 4 से डिवाइड, तो यहाँ पे जब डिवाइड कर देंगे तो आएगा अपना 2, ओके ना। m की वैल्यू निकल गया 2, यानी कि जब m की जगह 2 रखते हैं इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आएगा अपना आंसर 0, ठीक है ना। यानी कि जो अपना लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगा। तो चलिए यही पर अपने क्वेश्चन नंबर 3 एंड आई होप आपसे गुड अच्छा लगा होगा, लगा तो कमेंट बॉक्स जाकर जरूर बताइएगा, और हां लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।